आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कोरोना से अपना और अपने घर वालों का बचाव कर रहे होंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है क्राफ्ट सेशन, और क्राफ्ट सेशन में आज हम बनाएंगे जो सब्जियों की जो पॉली बैग्स होती हैं, जिसमें हम जिस पॉली बैग में हम सब्जियां लेकर आते हैं, उससे फ्लावर्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह की पॉली बैग्स, सबके घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, फेविकॉल, ग्रीन कलर का पेपर। अगर आपके पास ग्रीन कलर का पेपर नहीं है तो आप व्हाइट कलर को ग्रीन कलर से भी कर सकते हो। इसे बांधने के लिए, फ्लावर्स को बांधने के लिए थ्रेड, सीजर और न्यूज़पेपर, जिसे हम इसकी स्ट्रिप बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी पॉली बैग है, इसे बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से करके हम इसे, इसका ये वाला पोर्शन कट कर देंगे और इसका ये वाला पोर्शन कट कर देंगे। इस तरीके से इसका आगे पीछे वाला पोर्शन कट करके अब इसे भी बीच में से हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब ये पूरी ऐसी हो गई। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे फ्लावर्स, इसके कि एक साइड से ये पॉली है, एक साइड से हमने इसे इस तरीके से पकड़ा, ठीक है, ये पकड़ लिया, और अब हमने इसे कट कर दिया, ठीक है, ये कट कर दिया। इसे कट करने के बाद ये वाला जो हमने पोर्शन काटा है, इसे फिर से हम पॉली बैग के नीचे रखेंगे इस तरीके से, फिर से काट लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से रखेंगे, जिससे कि हमारा फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो बनती जाएंगी इससे। ये सब कुछ करने के बाद ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम इस थ्रेड से इसका ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम टाई कर देंगे, यानी बांध देंगे उसे। ये बन गया और ये आपका फ्लावर फिर इस तरीके से बन गया। बाकी सारे पॉली बैग्स का भी हम फ्लावर्स बना लेंगे इस तरीके से। हम सारे फ्लावर्स हमने उस तरीके से बना लिए हैं, सारे फ्लावर्स हमारे बन गए हैं। अब हम इसकी स्टेम बनाएंगे। तो हम पेपर को इस तरीके से कट करके और उसके साइड पे किसी को चाहे, अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश, ब्रश नहीं है तो पेंसिल, किसी से भी इसे हम इस तरीके से रोल करते जाएंगे, साथ ही साथ इसे इस तरीके से निकालते भी जाएंगे जिससे ये अंदर ना रह जाए, और ऐसे ही रोल करते जाएंगे। और इस लास्ट वाले को फिर हम फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे जिससे कि ये निकले नहीं। ये हमारी स्टैम्प बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ग्रीन कलर का पेपर है, रेक्टेंगल शेप में है, इसे हम डबल फोल्ड करके उसके बाद एक और फोल्ड करके अब हम इसमें लीव्स की शेप काटेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से लीफ की शेप कट कर सकते हो। फ्लावर्स बड़े हैं तो हम फ्लावर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि बड़ी लीव्स को, बड़ी लीव्स कट करेंगे। ये हमने लीव्स कट कर लिए हैं। अब पेस्ट होने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, तरीके से हम इन्हें पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें फ्लावर पॉट में आई होप आप लोगों को ये क्राफ्ट सेशन पसंद आया होगा। तो और ऐसे क्राफ्ट सेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंक इंडिया एनजीओ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।